नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज अ मंकी ऑफ मास 15 के इज क्लाइंबिंग ऑन अ रोप विद वन एंड फिक्स टू द सीलिंग इफ इट विशेज टू गो विद एन एक्सेशन ऑफ वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हाउ मच फोर्स शुड इट अप्लाई टू द रोप सेकेंड पार्ट है सवाल का इफ रोप इज फाइव मीटर लॉन्ग एंड मंकी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द सीलिंग नाउ सिंपल सवाल है सिनेरियो ये है कि ये मान लीजिए आपकी रोप ऐसे है और यहाँ पे आपका एक मंकी ऐसे करके इसके ऊपर क्लाइम कर रहा है ठीक है स्माइलिंग मंकी बना लेते हैं ठीक है थीके? ये मंकी है इसका वजन अपने को दिया हुआ है मास इज इक्वल टू फिफ्टीन के और ये इसके ऊपर क्लाइम करना चाहता है विद एन एक्सेलेशन ऑफ हमें क्लाइम करना है एक्सेलेशन ऑफ वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें बताना है कितना फोर्स अप्लाई करें ना यहाँ पर फिजिक्स थोड़ा सा यहाँ पे फनी सब्जेक्ट हो जाता है ऑल्दो ये जो स्नैरियो बनेगा उस स्नैरियो में मंकी इज़ क्लाइंबिंग ड्यू टू तो योर फोर्स अप्लाइड बाय इंटरनल सिस्टम जो उसने अपने सिस्टम में इंटरनल मसल से वो जो फोर्सेस अप्लाई किए उसकी वजह से मंकी क्लाइम कर रहा है लेकिन इस केस में हम ये कहते हैं जो अपनी इक्वेशन लिखेंगे एफ बी बना के सो so अगर इस मंकी का एफ बी बनाए तो नीचे तो इसका फोर्स लगा एम ऊपर लगा टेंशन टी और ये आया आपका एक्सलेशन यहाँ पर हम ये कहते हैं कि दिस मंकी इज़ गोइंग अप ड्यू टू दिस टेंशन और वो टेंशन विल बी सेम एज द फोर्स अप्लाइड बाय द मंकी हालांकि सो इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे सो ये आ जाएगा आपका टी माइनस एम जी विल भी इक्वल टू एम ने एम्प्लाईज uh, टेंशन की जो वैल्यू है वो आ जाएगी एम जी प्लस है एम अपने को 15 दिया हुआ है और जी की वैल्यू यहाँ पे हम 10 ले लेते हैं प्लस वन सो ये हो गया 165 न्यूटन तो इतनी टेंशन आपकी रस्सी में आ जाएगी एंड uh, अगर किसी भी पॉइंट का आप यहाँ पे एफ बनाएंगे टेंशन और फोर्स आपका बराबर होना चाहिए सो दिस शुड बी द मिनिमम फोर्स अप्लाइड बाय द मंकी सेकेंड पार्ट है इफ़ रोप इज फाइव मीटर लॉन्ग पाँच मीटर की अगर रस्सी है रेस्ट से चालू किया है तो यहां से यहां पहुंचने में आपको टाइम कितना लगेगा फाइव मीटर आपका डिस्टेंस uh, है हमें इसका टाइम बताना है गिवन यहां पे आपका जो एक्सेलेशन है वो आपका वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है यह आपका एक्सेलेशन है सो सेकेंड इक्वेशन यूज कर लेते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस की वैल्यू है आपकी फाइव इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई वन मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर, विच इंप्लाइज टी स्क्वायर हो गया टेन यानी कि टाइम हो गया आपका अंडर वूड टेन सेकेंड्स तो ये आपकी टाइम की फाइनल वैल्यू हो जाएगी इतने टाइम में मंकीर से नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा